नमस्ते गाइज, मैं हूं मिस्टर प्रोटोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल के वसीम अहमद अब जेल से बाहर आ चुके। आपको तो पता है वसीम अहमद एक 4 साल पुराने वीडियो के कारण जेल के अंदर चले गए। वही जेहान और नाजिम पे भी पुलिस का केस चल रहा है। फिलहाल वो कहीं पता नहीं बाहर है, लेकिन उनके चाचा बोल रहे कि वो कि शूटिंग पे बाहर गए, लेकिन उनकी प्री बेल भी हो सकती है। अगर वो बाहर भी है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वसीम अहमद अब जेल से बाहर आ चुके, तो उनसे रिलेटेड कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो आप उन्हीं की आवाज में सुनिए क्या कहते हैं। वसीम भाई आवाज आ रही है? हेलो। वसीम भाई ठीक है आप? जी जी बढ़िया है, आप बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो वसीम भाई इतना लंबा क्यों हो गया ये मसला, क्या रहा इसके पीछे? इस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं जेल में था। सेकेंड चीज की बात करते हैं, मोस्ट अवेटेड कॉन्टेस्ट एशिया कप चल रहा है, आपको बताइए। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है संडे यानी कल 4th of September। आपको तो पता ही है पिछला मैच इंडिया ने 5 विकेट से जीत लिया था हार्दिक पांड्या की बदौलत। तो एक बार फिर कल देखते हैं कि कौन जीतता है ये मैच, और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान सामने आए। चलिए तीसरे अपडेट की बात करें अजय नागर यानी कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने रिसेंटली एक ट्वीट किया कि बचपन में बीमार होने वाले मजे आते, अब साला इरिटेशन होता है, सब्जी की तरह पड़े रहो एक जगह। तो शायद वो बीमार हो चुके ऐसा लग रहा है उनकी बात सुन के। नेक्स्ट अपडेट है न्यूज बॉय से रिलेटेड। अब न्यूज बॉय है जो दूसरों की न्यूज कवर जरूर करते, लेकिन आज हम उनकी न्यूज कवर करते। तो न्यूज बॉय ने रिसेंटली एक ट्वीट किया कि कौन से ऑयो रूम में डॉक्यूमेंट के साथ साथ इंसान का भी फोटो खींचते हैं भाई। तो इस पे लक्ष चौधरी ने मजेदार ट्वीट किया, भाई भाभी लेके जाएगा तो यही होगा ना। चलिए अब अगले अपडेट की बात करते हैं सल्लोक श्रीवास्तव यानी टेक बर्नर के। सल्लोक श्रीवास्तव को आप जानते होंगे, उन्होंने रिसेंटली 3 सालों की मेहनत के बाद अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेयर शॉप यानी मोबाइल की स्क्रीन के पीछे कस्टमाइज लेयर आप चिपका सकते हैं, उनका ऐसा कुछ प्रोडक्ट है। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सुनिए उन्हीं की जुबान। तो भाई थैंक यू अगेन इतना तगड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए, हमारी सारी स्किन्स आउट ऑफ स्टॉक करवा दी आप लोगों ने, सारी बिक चुकी हैं, बट हम 1st October से डिस्पैच वापस स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, जितने भी आप अभी ऑर्डर्स करेंगे वो सारे प्री ऑर्डर में जाएंगे, और 1st October से हम डिस्पैच करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई आपको तो पता ही एक ट्विटर का नया अपडेट आया, इसमें एडिट बटन आने वाला है, लेकिन उस एडिट बटन को परचेज करने के लिए आपको 400 रुपए देने होंगे। तो सल्लोक श्रीवास्तव ने इसके रिप्लाई में एक ट्वीट किया कि 150 रुपया देगा। वही अगले अपडेट की बात करते हैं, इस बाघलोल वीडियो के इस शख्स को तो आप जानते होंगे। तो उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की है कि अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM कीजिए, दिल्ली की लोकेशन के लिए उनको भी आर्टिस्ट चाहिए वीडियो के लिए। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं, तो एमए वनटाई का मॉनसून आने वाला है 9th of September को। अब आप सोच रहे होंगे आ रहा तो उसमें खास बात क्या है, खास बात यह कि ये जो वीडियो है वो पोस्ट करेंगे 9th of September को रात की 12 बजे। अब भाई रात की 12 बजे कौन वीडियो अपलोड करता है, वो तो 9th of September को ही पता चलेगा कि क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं मिस्टर बिस्ट से रिलेटेड। आपको तो बताइए मिस्टर बिस्ट दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर है। तो उनका रिसेंटली किसी ने फोटो शेयर किया उनके एक फ्रेंड ने कि उनके पास इतने सारे प्ले बटन्स है कि जगह ही कम पड़ रही है।